नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी, सर्टिफाइड योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टॉप 5 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन, यानी वेजिटेरियन लोगों के लिए 5 ऐसे मैं आज प्रोटीन के सोर्सेज आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रोटीन कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन ज्यादा ले सकते हैं। प्रोटीन बहुत अच्छा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है आपकी बॉडी के लिए, जब हम बात करते हैं वेट लूज की, फैट लूज की, या फिर मसल गेन की, लीन मसल मास की, आप कैसा भी मसल मास गेन करना चाहते हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी है, ना ही आपकी मसल के लिए, आपकी मसल की स्ट्रेंथ करने के लिए, बल्कि आपकी बोन के लिए, आपके खून के लिए, आपकी स्किन के लिए, कार्टिलेजेस के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भरपूर मात्रा में मिल जाता है चिकन से, अंडे से, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है यानी वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन ढूंढना हालांकि मुश्किल पड़ जाता है। कुछ इसमें मिथ भी दिए गए हैं कि जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको पूरा अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता है, अमीनो एसिड की जो प्रोफाइल है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, वो अपनी प्रोटीन नहीं पूरा कर पाते हैं। अगर ऐसी बात आज आपकी है तो आज आप बहुत कम समय में ये जान पाएंगे कि कौन से ऐसे 5 फूड हैं, ऐसे कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप खाएंगे आपको प्रोटीन की कमी कभी नहीं होगी। सबसे पहला मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आएगी बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप शेयर भी कर सकते हैं। हम बात सिर्फ प्रोटीन की करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं करेंगे, ना ही फैट्स की बात करेंगे। सिर्फ मैं जो आप चीजें आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें होंगी, उसका जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है मैं उसकी वैल्यू आज आपको बताने वाला हूँ जो आप खाते हैं। सबसे पहली चीज आती है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, चीज हो गई, ये 3 चीज अधिक मात्रा में यूज की जाती है। अगर आप 250 ml का एक ग्लास दूध पीते हैं तो उसमें आपको लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा सही है। दही में लगभग आपको 3.4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा हर 100 ग्राम में, और अगर आप चीज की बात करते हैं, चीज के एक स्लाइस में लगभग आपको 7.4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये रही डेयरी प्रोडक्ट की बात। जो हमारी दूसरी चीज है वह है नट्स एंड सीड, और हम जो अब मैं आपको वैल्यू जो बताने वाला हूँ वह बताने वाला हूँ पर 100 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो इसमें आपको कितनी चीज क्या मिलेगी। सबसे पहली चीज आती है पीनट, अगर हम 100 ग्राम पीनट लेते हैं तो हमें लगभग 25.80 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दूसरा एलमंड अगर हम खाते हैं तो 21.15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर हम पिस्ते खाते हैं तो हमें उसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर हम काजू खाते हैं तो उसमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और अगर हम वॉलनट खाते हैं तो उसमें हमें 14 से 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और जहां बात आती है सीड्स की, सीड्स में आपको सनफ्लावर सीड्स अगर आप लेते हैं 100 ग्राम 5.8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, अगर आप पम्पकिन सीड्स लेते हैं तो 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और सेसमे सीड्स लेते हैं तो आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हालांकि सीड्स और नट्स में अधिक मात्रा में प्रोटीन है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं प्रोटीन होता है, आप अपना मेजर नहीं कर पाते हैं प्रोटीन, तो इनके सहारे से आप मेजर कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज आती है वह आती है लेग्यूम्स एंड बीन्स। अब हम दालों में बात करते हैं, बीन्स में बात करते हैं, कितना आपको प्रोटीन किसमें मिलेगा। यह भी बात जो हम करेंगे वो हर 100 ग्राम में बात करेंगे। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं, अगर आप चिक पीस लेते हैं तो उसमें 14.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। किडनी बीन्स में आपको 13.4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पीस में आपको 8.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेंटिस यानी दालों में आपको 17.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लगभग 18 ग्राम। सोयाबीन में आपको 28.6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एग वाली जो बीन्स आती है उनमें आपको 15.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और पीनट में वही मैंने जैसा पहला बताया 25.80 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। जो फोर्थ नंबर पे चीज आती है वह आती है सोए। सोए क्या है? सोए एक बहुत अच्छा कंटेंट है प्रोटीन का वेगन लोगों के लिए। वेगन लोग वो होते हैं जिन्हें पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं, जो लोग बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। डेयरी मतलब जो लोग एनिमल से चीज आती है, जैसे दही और दूध भी वह इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध की जगह कोकोनट मिल्क और कोकोनट वाटर यूज करते हैं। इसमें भी हम बात करेंगे हर 100 ग्राम में आपको कितना क्या चीज मिलती है। सोए अगर हम 100 ग्राम का टोफू लेते हैं तो उसमें हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और अगर हम सोया बीन लेते हैं 100 ग्राम तो 28.6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सोया मिल्क भी एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन बताया जाता है। और जो हमारी लास्ट चीज है अब है वो ग्रेन्स। 5वें नंबर की जिस चीज है जो लास्ट है वह है ग्रेन्स। ग्रेन्स में आपको कितना क्या मिलेगा पर 100 ग्राम में, मैं वह आपको बताता हूँ। अगर आप ओट्स खाते हैं बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अगर 100 ग्राम ऑफ ओट्स लेते हैं तो आपको लगभग 16.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
क्वानोज में आपको 14.1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ब्राउन राइस अगर हम खाते हैं 100 ग्राम तो 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और वाइट राइस में 2.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। तो ये चार चीज़ रही ग्रेन्स की। अब मैं अच्छे से पांच चीज़ समझा पाया हूँ, आप समझ पाए होंगे कि किस किस चीज़ में प्योर वेजिटेरियन के लिए आप अपनी कंपैरिजन मेजरमेंट भी इस हिसाब से कर सकते हैं जो मैंने चीज़ बताई है। वीडियो को दोबारा जाके देखें, आप समझ सकते हैं जो चीज़ आप खाते हैं तो इस हिसाब से अपना प्रोटीन इनटेक आप बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपकी मसल हेल्थ के लिए, आपकी बोन के लिए, आपकी कार्टिलेजेस के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी की आपकी स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, फैट लूज़ करना चाहते हैं, और अच्छी मात्रा में लें। अच्छा ही एक बैलेंस डाइट आपको एक बैलेंस हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेगी। अगर आप ये चीज़ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी यू मस्ट ईट दिस थिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, नमस्कार।